सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर बैक हुक ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा स्थल है, पहले हम स्थल को काटेंगे। जैसे हमारा ब्लाउज है नाप का, इसको हम अच्छी तरीके से रखना है। अब हमारे यहाँ से आरोमल है, यहाँ से हम नाप लेंगे। हमारी चेस्ट है वो है 14 इंच, जैसे हमारी चेस्ट यहाँ तक हो रही है 20, तो हम इसको गुंजाइश लेके चलेंगे, 2 इंच की गुंजाइश लेंगे। अब हमने 22 इंच ले लिया है गुंजाइश लेके, अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब हम इसको डबल करेंगे इस तरीके से एक बार और। अब लंबाई है हमारी 14 इंच, पीछे का पल्ला हम 15 इंच का रखेंगे, आगे का पल्ला 16 इंच का, क्योंकि आगे हम प्लेट डालेंगे इसलिए हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है आगे का पल्ला। हमने पीछे का पल्ला 15 इंच ले लिया, आगे का पल्ला 16 इंच। अब हम यहाँ से शॉर्टन लेंगे, बोलेंगे हम 7.5 इंच के, 6.5 इंच आरुमल, क्योंकि चेस्ट हमारी 40 है इसलिए हम 6.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हम इसमें सेप देंगे और गले की चौड़ाई पहले हम आरुमल को काटेंगे और आगे पीछे के पल्लों को अलग अलग करके अलग अलग काटेंगे। अब ये हमारा पीछे का पल्लर है, उसकी लंबाई 15 इंच है। अब हम इसकी गले की चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे हम 3 इंच की, गले की लंबाई 4 इंच की। अब हम इसमें इस तरीके से गोल शेप देंगे। पीछे का गला हम इस तरीके से काटेंगे, यहाँ पे हम इसको काटेंगे नहीं, जब हम सिलाई लगाएंगे जब इसको काटेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। अब हम आगे का पल्ला काटते हैं, जैसे हमने 3 इंच की चौड़ाई ली थी आगे के पल्लव में, उसी तरीके से हम पीछे के पल्लव में हमने 3 इंच की चौड़ाई ली थी, तो आगे के पल्लव में भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। 4 इंच के गले की लंबाई हम इस तरीके से गोल से देंगे। आधा इंच हम आरुमल को आगे वाली को काटेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेट का, प्लेट की लंबाई होगी वो भी 4.5 इंच की, 4 इंच यहाँ से हम नीचे की साइड से लेंगे। ये प्लेटों का निशान चेस्ट के हिसाब से लगता है, जैसे हमारी चेस्ट 40 है तो हम इसमें
चार इंच की हमने यहाँ से चौड़ाई ली है। अब हम यहाँ पे कैंची का कट लगा देंगे प्लेटों पे, जिससे हमें डालने में आसानी होगी। अब हमारा एक कपड़ा है, कपड़े की हम लेस को हटा देंगे, बाजू पे लगाएंगे हम बाद में। पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे और लेस को हम आधा आधा करके लगाएंगे। कर लिया है कपड़े को। अब हमारा ये बंद वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम आगे का पल्लव रखेंगे तरीके से, और यहाँ पे हम पीछे का पल्लव। अब हम इस तरीके से इसको देखेंगे कि हमारा इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा ज्यादा जाना है। वैसे हमें 22 इंच की चौड़ाई चाहिए, तो हम इसको अलग तरीके से काटेंगे। अब जैसे हमारे आगे पीछे के पल्लव है वो 22 इंच के हैं, तो हम इसको पहले 22 इंच चौड़ाई में काट लें, 22.5 काटेंगे, अस्तर से आधा आधा इंच ज्यादा, जैसे हमने अस्तर को काटा था उसी तरीके से हमें कपड़े को भी काटेंगे। अब हम इसको डबल करेंगे। ये हमारा कपड़ा मोटा है तो हमें इसकी इसमें बुकरम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम गले में डिजाइन, मटका गला या वी गला बनाना चाहते हैं तो ये मोटा कपड़ा है तो हम विगत बुकरम की भी बना सकते हैं। अगर आप बुकरम लगाना चाहें तो बुकरम की कटिंग करके भी लगा सकते हैं। ये हम आगे का पल्लव आगे का पल्लव काट रहे हैं, गले को हम बाद में काटेंगे। ये हमारा पीछे का पल्लव है, दोनों पल्लवों को हम अलग अलग करेंगे। अब जैसे हमारी बाजू की लंबाई है वो 11.5 है, बाजू की चौड़ाई है वो है 5.5। ये कपड़ा हमारा डबल है। अगर हम बाजू को लंबी बनाना चाहते हैं तो हम लंबाई में ज्यादा लेंगे। जैसे हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है 14.5, तो हम इसको लंबी बना रहे हैं और इसकी चौड़ाई है वो है 8.5। अब हमारे खुले वाले जो पल्लव है वहां से हम 2 इंच की लंबाई लेके निशान लगाएंगे बाजू की कटिंग के लिए। हमने यहाँ से 2 इंच की चौड़ाई लेके बाजू के लिए निशान लगाया है। साढ़े 5 की मोरी है तो हम यहाँ से 7.5 रखेंगे। अब हमने यहाँ से कटिंग नहीं करी है क्योंकि बाजू की फिटिंग हम यहाँ से लगाएंगे, तो जैसे चेस्ट 40 है तो बाजू की चौड़ाई भी ज़्यादा है, इसलिए हम इसकी कटिंग जब हम ब्लाउज को बना लेंगे बाद में जब ढीला करना होगा तभी कटिंग करेंगे, क्योंकि गुंजाइश जरूरी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम आगे का पल्लव तैयार करेंगे, इसके लिए हमें इसका सीधा उल्टा देखना है। ये हमारा सीधा है,
हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमने ये अस्तल को रखा है। यहाँ पे हम एक सुई लगा लें जिससे हम गले पे सिलाई लगाने के लिए हमें आसानी होगी। अब हम यहाँ पे गोल सिलाई लगाएंगे। अब हम ये गले को काटेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तल के ऊपर एक पूरे पे सिलाई लगाएंगे। कपड़े को इस तरीके से करते जाएंगे, हमारे कपड़े में झुकना है। अब हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा के अंदर ग्राउंड करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की प्लेट डालेंगे। पीछे के पल्लर को हम इस तरीके से दोनों को रख लेंगे। बराबर करके अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा हमारा ये सीधा है, सीधे के ऊपर हमने अस्तल को रखा है। अब हम इसको सीधा करके सिलाई लगाएंगे।
इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। अब हम नए कपड़े को काटेंगे। कपड़े को हम अच्छे तरीके से ऐसे कर लें जिससे हमारे कपड़े में झोल ना आए। अब हम यहाँ से 5 इंच लेंगे। 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे प्लेट का, पीछे की प्लेट का। प्लेट की लंबाई होगी 3 इंच की। अब हम जो हमारा पीछे का पल्ला है, एक पट्टी हम अंदर की साइड लगाएंगे, एक पट्टी हम बाहर की साइड जिस पे हम कार्ड बनाएंगे। अब हमने इसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच की। पट्टी की चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है, वो हम बाहर की साइड लगाएंगे। आगे की लंब हम इसको ज़्यादा रखेंगे। गले की यहाँ से इस तरीके से अंदर की साइड दबा देंगे। अब हम इसको अंदर की शर्ट दबाएंगे। दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से बराबर करके सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे आगे के पल्लव में। यहाँ से हम गले पे से सिलाई लगाएंगे।
अब शोल्डर जोड़ने के बाद हम बाजू को जोड़ेंगे। बाजू को पहले हम नाप लेंगे। सबसे पहले हम बाजू की मोहरी पे सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये सीधा है, सीधे के ऊपर हमें बाजू को रखेंगे। अब हम इसको बाजू की फिटिंग करेंगे, इसको डबल करेंगे। पहले हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हमारी मोहरी है वो है 6 इंच की, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। चेस्ट हमारी 40 है, तो यहाँ पे हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये तो गलत है। ये हमारी 6 इंच की मोरी हो गई। मोरी पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। कि कमर को भी हम पहले नापेंगे कि कमर पे हमें कितनी सिलाई लगानी है। पहली मोहरी से हम दूसरी मोहरी को नाप लेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। अब हमारी जो बाजू की लेस है उसे हम हाथ से लगाएंगे, क्योंकि लेस में नग लगी हुई है, तो अगर हम इसको सुई से लगाएंगे तो हमारी सुई टूट जाएगी, तो इसको हमें हाथ से लगाना पड़ेगा सुई की मदद से, इस तरीके से। इसे बराबर करके काटेंगे लेस को और सुई की मदद से हम हाथ से लगाएंगे। यहाँ पे हम पीछे की साइड में एक हुक लगाएंगे और काट।
इस तरीके से हमने इसको लगाया है। यहाँ पे हम डोरी भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी हुक लगाएंगे और यहाँ पे काट। तो ये बन गया हमारा इस तरीके से बैक हुक ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।